केंद्र सरकार के बनाए 3 कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें रद्द किया जाए, लेकिन सरकार कानूनों को रद्द करना तो दूर किसानों से बात करने तक को तैयार नहीं हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में देश के अन्नदाता को आंदोलन करते 9 महीने बीत गए हैं। अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी जिद पर अड़ी हुई है। तो किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें अपना आंदोलन 2024 तक भी चलाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की नजरअंदाजी से अब किसान में गुस्सा भर गया है और आलम यह है कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। इस बीच कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने पर कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू किया गया, जिसमें देश भर में करीब 1500 आंदोलनकारी नेता जुटे हैं। अधिवेशन में देश भर में आंदोलन को तेज करने समेत अन्य मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हवन और यज्ञ किया। किसानों का कहना है कि चाहे आंदोलन को कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलनकारी किसान घर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि सरकार बातचीत को तैयार है और सरकार संशोधन को भी तैयार है, लेकिन कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसानों को उम्मीद है कि किसी न किसी दिन सरकार उनकी बात मान ही जाएगी, लेकिन सरकार को लगता है कि किसान आंदोलन करते हुए थक जाएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। अब इसमें किसकी जीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।